सत्ता पार्टी को तो बात चुभ रही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी चुभ रही है कि कल उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल बेनकाब हो गई। जो बाहर किसानों की बात करते हैं और अंदर ढाई हफ्तों से सदन को चलने नहीं दे रहे हैं जासूसी के मामले करके, और किसान के मुद्दे को अंदर जाते ही भूल जाते हैं। और तो हिस्ट्री में दर्द होगा, इधर हाउस के अंदर पूरे देश की आत्मा जगाई जब एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा देके किसानों के हक में नीचे उतर आई, और ये सारा देश जानता है। ये तो एक इतिहास का हिस्सा है कि किसने वॉकआउट किया और किसने इस्तीफा देके अंदर बैठ के विरोध किया। हकीकत ये है कि मैं तो यहाँ से बीएसपी और हम रोज पहले सत्र के पहले दिन से यहाँ पे सिर्फ कृषि कानूनों के विरोध में रोज यहाँ पे जो भी अंदर जा रहा है उनकी सोई आत्मा को जगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं। तो मुझे ये पता था कि हमारे ये प्रदर्शन से ज़रूर सत्ता पार्टी को तो बात चुभ रही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी चुभ रही है कि कल उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल बेनकाब हो गई। जो बाहर किसानों की बात करते हैं और अंदर ढाई हफ्तों से सदन को चलने नहीं दे रहे हैं जासूसी के मामले करके, और किसान के मुद्दे को अंदर जाते ही भूल जाते हैं, और ये श्रोमणी अकाली दल और बसपा जो लगातार मेहनत करके कभी राष्ट्रपति जी तक पहुंच कर रहे हैं, कभी स्पीकर साहब को जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इधर रोज खड़े होके सोई हुई जमीर को किसान के हक में जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस को कितना चुभ रहा था ये तो कल ही बिल्कुल साफ हो गया। पूरे देश की आत्मा जगाई जब एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे के किसानों के हक में नीचे उतर आई, और ये सारा देश जानता है। सो इनके क्या कहने, ये अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए आप सोचे कि जो कृषि कानूनों के विरोध में किसान का साथ दे रहे वो उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये साफ है कि ये किसान किसान के हक में नहीं है। पहला तो जो मर्यादा है वो मर्यादा ये नहीं कहती जिस तरह कल उन्होंने दीपा जी के साथ बिहेव किया है, ये मर्यादा नहीं, किसी भी धर्म की मर्यादा नहीं कि कोई लड़की है बात कर रही है उसको ऐसे तरह जिस तरह उन्होंने बोला जे बजवान जे उसके लिए अच्छा नहीं, उसको इसकी मौके पर। नंबर दो, कानून किसने बनाए? पहले अपना मैनिफेस्टो बनाए कि जो उनका मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो में क्या जे कानून के लिए इस हर्फ हर्फ यही चीज नहीं लिखी थी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब ये कानून पास हुए पार्लियामेंट चली तब हम बोले खिलाफ, प्रधान जी हमारे बोले, स्पीच सबको पता रिकॉर्ड, बोलने के बाद एकदम इन्होंने हाउस में कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, दीपा जी ने इस्तीफा भेजा। तीसरी बात, जो हमारा 30 साल का आपने सहयोग था, आपने वो सहयोग तोड़ दिया कि आपने किसानों के खिलाफ बात की है, हम बेसिकली जो पार्टी है गरीब मजदूर किसान की पार्टी है, इसलिए हमने राष्ट्रपति के हम भी तोड़ दिया, इसलिए हमने जो भी हमारे पास आए थे हमने सारे इस्तीफा कर दिया कि ये बात गलत हुई। लेकिन कांग्रेस का जन्मदाता है ये दिया मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो से भूखे अगर मैनिफेस्टो नहीं दिया सभा दिखाए लोगों में आके या पार्लियामेंट में बोले कि हम कॉपी दे देंगे, इसलिए ये जो सब बदलाए हुए लोग मार रहे हैं, जैसे पहले दरियाओं का पानी पंजाब का हो सकता है हम तो बचा रहे हैं, 20 साल हम लोग हर चीज पंजाब के खिलाफ करते हैं, आज भी जब हाउस में होते हैं या जहाँ होते हैं कल पंजाब के 4-5 आदमी तक क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी बतौर कांग्रेस पार्टी 40-45 एमपी कोशिश क्यों नहीं करते, क्यों नहीं राहुल गांधी जी कदम कदम के खिलाफ बोले, क्यों नहीं सोनिया गांधी जी कदम कदम के खिलाफ बोले, कल पंजाब वाले क्यों बोलते हैं, बाकी कांग्रेस खिलाफ।